Hey, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? तो दोस्तों मेरा नाम है नवनीत कुमार और आज हम करने वाले हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू गीगाबाइट B700H 80+ ब्रोंज पावर सप्लाई, जो एक काफी ज्यादा एक बजट फ्रेंडली है। और अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं 5000 रुपए के बजट के अंदर में अगर कोई अगर पावर सप्लाई खरीद सकते हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पावर सप्लाई फॉर यू, जो 700 वॉट का पावर सप्लाई है। और ये दोस्तों इसकी बड़ी अच्छी खास बात दोस्तों ये है कि ये दोस्तों एक बजट फ्रेंडली के साथ साथ में दोस्तों ये एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, जो आपको आई थिंक किसी अदर ब्रांड के अंदर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मुझे इससे ये बहुत ही ज्यादा चीपर प्राइस में मैंने इसे बाय किया, जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए हम फटाफट इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और मैं आपको बताता हूं इस पूरे के पूरे पावर सप्लाई के बारे में अच्छी तरीके से कि ये कितना बेस्ट है और कितना बेस्ट दोस्तों नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस इस पावर सप्लाई के ऊपर सबसे पहली चीज की दोस्तों आपको यहां पर जो है ये 80+ ब्रोंज पावर सप्लाई आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको पता ही होगा बेसिकली 80+ ब्रोंज जो है ये एक पावर एफिशिएंसी को ये डिनोट करता है बेसिकली कि ये कितने परसेंट एफिशिएंसी है, और जितना ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा होगा उतना ही दोस्तों कम बिजली खाएगा। तो ये दोस्तों 85% जो है ये एफिशिएंसी वाला है दोस्तों ये पावर सप्लाई है, जो एक ठीक है एक बजट फ्रेंडली के अंदर में। और बेसिकली आपको 80+ ब्रोंज में आपको लगभग इतना ही देखने को मिलता है, 85+ 87% कुछ इसी तरीके का। तो वहीं पे दोस्तों आपको जो है ये कंप्लीटली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है बेसिकली, और साथ साथ में दोस्तों 12 वोल्ट सिंगल रेल वाला आपको पावर सप्लाई मिलता है देखने के लिए। 12 वोल्ट सिंगल रेल में आपको बताऊंगा क्या है, बॉल बियरिंग वाला मिलता है, जो एक काफी अच्छी बात है एक बजट के अंदर में। तो गाइस यहां पर जो ऊपर है आपको देखने को मिलता है जो मॉडल है GPB700H, और आपको इनपुट करंट जो है 10 एंपियर का मिल जाता है, और साथ ही साथ में देखिए आपको एफिशिएंसी देखने को मिल जाता है आपको यहां पर 85% टाइपिकल लोड। फैन टाइप 120mm मिल जाता है, जो एक डबल बॉल बियरिंग फैन है दोस्तों, डबल बॉल बियरिंग फैन, जो दोस्तों काफी एक अच्छी बात है। ये पीछे की साइड में आपको यहाँ पर स्मार्ट थर्मल कंट्रोल फैन आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट मीन्स समझ लो स्मार्ट थर्मल कंट्रोल फैन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो चलिए हम इसको फटाफट जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है कुछ यहाँ पर आपको पेपर वर्क, जो इसके मतलब इसको यूज करने का तरीका आपको इसके लिए बताया हुआ है इसके अंदर, जो एक यूजर मैनुअल गाइड है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक बैग मिल जाता है इस पावर सप्लाई के लिए, तो आप इसके स्टब्स जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं। तो काफी अच्छा बैग है यार, वैसे इसको किसी अदर यू में यूज किया जा सकता है। ये मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको हार्डवेयर केबल्स जो आप अपने कंपोनेंट्स में लगाएंगे इसको, जो एक मॉड्यूलर पावर केबल है बेसिकली ये। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों ये भी एक पावर केबल है, जो आपको PSU में लगाना है अपने मेन पावर सोर्स से, जो ये भी दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। ये मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रैप, जो बेसिकली ये स्ट्रैप जो है ये गीगाबाइट के लोगो के साथ आपको यहाँ देखने को मिलता है, और काफी अच्छा है, और इसको वायर को बाइंड करने के लिए बेसिकली है ये। और मिल जाता है दोस्तों ये जो है आपके सीधा मदरबोर्ड के अंदर जो मेन पावर जाएगा एक ये, तो दिस इज अ सेमी मॉड्यूलर आप ये कह सकते हो ये। और साथ ही साथ में दोस्तों ये मिल जाता है हमें फाइनली ये कुछ स्क्रूज हैं, और ये मिल जाते हैं हमें यहाँ पर पावर सप्लाई, जो दोस्तों ठीक ठाक वेट में है और काफी अच्छी खासी यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों मैं आपको इस पावर सप्लाई की दोस्तों मैं कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी इसको जैसे नॉर्मल पावर सप्लाई होता है सेम आपको पावर कॉर्ड और यहाँ पर आपको स्विचेस देखने को यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड में आपको 120mm का आपको अपने बैक साइड में फैन मिल जाता है, जो काफी एक अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। और बीचों बीच आपको यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लोगो मिल जाता है गीगाबाइट का, जो काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको दिखने लग रहा है। बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक मॉडल पावर सप्लाई के अंदर आपको बेसिकली आपको देखने को मिलता है जो अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं बेसिकली, वो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अब इस पावर सप्लाई के ऊपर लिखे हुए कुछ चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले चीज दोस्तों की जो 12 वोल्ट सिंगल रेल जो है आखिर होता क्या है, सबसे पहले से आपको बता दूं सिंगल रेल और दोस्तों डबल रेल में दोस्तों बेसिकली क्या फर्क है। तो ये तो जो दोस्तों ये पावर सप्लाई है बेसिकली सिंगल रेल में क्या होता है दोस्तों की आपके जो पावर सोर्स होता है यानी कि जो मेन आउटपुट है आपके पावर सप्लाई का PSU का, तो ये सारे एक मेन आउटपुट से ही सभी के सभी कंपोनेंट्स के अंदर जो जा करके हैं बेसिकली ये कनेक्ट होता है इस पावर सप्लाई का, तो इसे ही कहा जाता है बेसिकली सिंगल रेल। और मल्टी रेल बेसिकली क्या है दोस्तों कि आपके जो पावर सप्लाई के अंदर जो है PSU के अंदर आपके सभी कंपोनेंट्स के लिए सभी चीजों के लिए ग्राफिक कार्ड के लिए प्रोसेसर के लिए
मदर बोर्ड के लिए, बेसिकली हर एक चीज के लिए एक अलग सा दोस्तों आपको यहाँ पर आउटसोर्स दिया हुआ होता है, एक अलग सा आपको बेसिकली एक सर्किट बनाया हुआ होता है। तो बेसिकली वो होता है दोस्तों मल्टी रेल। तो इसको ज्यादा दोस्तों हम मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। अब आते हैं बॉल बेयरिंग पे। बॉल बेयरिंग दोस्तों क्या है कि देखो बेयरिंग जो है बेसिकली तीन टाइप की होकर चलती है। पहला जो होता है दोस्तों स्लिप बेयरिंग, दूसरा होता है बॉल बेयरिंग और तीसरा होता है दोस्तों हाइड्रोलिक बेयरिंग। तो बेसिकली जो है स्लिप बेयरिंग जो होता है काफी लो कॉस्ट बेयरिंग होती है और सेकंड जो होता है बॉल बेयरिंग काफी हाई कॉस्ट बेयरिंग होता है। तो उसमें भी दोस्तों बॉल बेयरिंग के अंदर भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल बॉल बेयरिंग, दूसरा होता है दोस्तों डबल बॉल बेयरिंग। डबल बॉल बेयरिंग जो है दोस्तों वो ज्यादा कॉस्टलियर होता है सिंगल बॉल बेयरिंग से। दोस्तों ये जो आपको पावर सप्लाई मिलता है दोस्तों वो है दोस्तों डबल बॉल बेयरिंग। आपको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो 120 में स्मार्ट थर्मल कंट्रोल फैन जो डबल बॉल बेयरिंग फैन है। बेसिकली डबल बॉल बेयरिंग के अंदर एक अच्छी बात इसके एडवांटेज का ये होता है कि आपको जो है यहाँ पर डबल बॉल बेयरिंग के अंदर जो एक नॉइज लेवल आपको देखने को मिलता है एक फैन के अंदर में, वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पावर सप्लाई के अंदर में। साथ ही साथ में आपको इस फैन के अंदर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है स्मार्ट थर्मल कंट्रोल फैन जो 120 mm का। स्मार्ट का मतलब बेसिकली यही हो गया कि दोस्तों ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंट्रोल होंगी, और यानी कि अगर आपकी यूजेज अगर ज्यादा नहीं हो रही है तो आपकी फैन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और ये स्मार्टली पूरा का पूरा ये वर्क करेगा और आपकी जो पावर कंजप्शन है बेसिकली ये उसको बचाएगा और ये स्मार्टली बाकी बेसिकली जो आजकल के जितने भी मॉड्यूलर पावर सप्लाई आ रहे हैं ना वो इसी फंक्शन के ऊपर टोटली वर्क करता है। तो भाई बात आती है अब यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइसिंग की। तो मैंने इसे दोस्तों खरीदा है यहाँ पर 4650 रुपए के अंदर में, काफी जो एक बेस्ट बाय के अंदर मुझे यहाँ पर ये मिल गया था। आई होप कि आपको शायद आपको भी मिल जाए, लेकिन मैं आपको इसके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करंट जो प्राइसिंग है दोस्तों अभी यहाँ पर 5100 से 5200 रुपए के अराउंड में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है दोस्तों वो 8000 से 8500 रुपए के बीच की है। लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है दोस्तों 5500 रुपए के अंदर अंदर में और आपको चाहिए अगर नीड है आपकी 700 वाट तक की अगर पावर सप्लाई की, तो दोस्तों ये बेस्ट बाइक के अंदर दोस्तों बेस्ट PSU है ये। तो गाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे वहां से आकर के बाय कर लीजिएगा। तो गाइज ये था हमारे इस PSU का यानी कि पावर सप्लाई का बेसिकली ये एक रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर यानी कि सिंगल बॉल बेयरिंग, ये सिंगल रेल, डब मल्टी रेल, इन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं अगर, तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर देना, मैं उस चीज के ऊपर दोस्तों डेडिकेटेड दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सी यू, बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारी ब्लॉगिंग चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, BOK नाम है चैनल का। स्वाइक आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय। You can stay till the morning, 'cause I just wanna quarantine and chill, yeah. Girl, you know the deal, yeah. I don't wanna leave the room, I just wanna be